मीडिया टीम की तरफ से जानलेवू कहो का आज ऑन लोकेशन शूट चला, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे सेंटर? बस बताना ही चाहेंगे, आज हमारी पिक्चर का लास्ट शूट है, खत्म हो रही है पिक्चर। प्रोड्यूसर साहब खुश है, डांस डायरेक्टर साहब सबसे बड़ी टेंशन में, क्योंकि उनको टाइम में जा रहा है और उनको गाना ख़त्म करना है, लास्ट डे है, खुश है। सर, फिल्म के नाम की टाइटल की बात की जाए, जान लेबू का हो, हाँ। तो ये टाइटल आपने कैसे सोचा कि क्या रहा है, ऐसा रखा जाए तो कुछ अलग? ये सबकी जान लेते रहते हैं, जान इन्होंने दिया, लेबू मैंने किया, ये जान लिए, जान लेबू। और हमारे पिक्चर की कहानी के अंदर वो शूट होता है, क्योंकि महिमा हमारी सेकेंड हीरोइन है, फर्स्ट अक्षरा सिंह है, और दिनेश जी की दोनों जान ले रही हैं। दिनेश जी के साथ फिल्म कर रहे हैं सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा कुछ बताइए सर? मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, नीरव और रिक्शा वाला मैंने उनके साथ की हुई थी, तो बस जैसे जब थे वैसे ही आज हैं। उस टाइम भी बहुत मेहनत करके काम करते थे, इस टाइम भी बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करने में। बड़े दिनों बाद बनवास टूटा है, साथ में कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग की बात की जाए तो सर कहाँ कहाँ शूट हो रही है फिल्म? ये हमने लखनऊ की, रायबरेली की, और यहाँ बॉम्बे में गाने बचे थे जो वो कंप्लीट कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर दर्शकों को फिल्म को लेकर के? बस फिल्म को लेकर यही कहेंगे, बस जो लास्ट में हम लोग जो कटोरा लेके भीख मांगने निकलते हैं पिक्चर देखने आना, वही और क्या होता, ये बोलेंगे। क्या है कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका फिर? हाँ चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी क्या है कि मैं एक साल में एक, मतलब एक टाइम में एक पिक्चर करता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर सोचना शुरू करता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, बताइए? मैं ये बोलूँगा कि हम लोग ने जो फिल्म बनाई है पारिवारिक फिल्म है, और बहुत ही मेहनत की है दिनेश जी, अक्षरा जी और बाकी जो भी अन्य कलाकार हैं, सब इस फिल्म में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि लखनऊ की इतनी भीषण ठंड में, कोहरे के बीच में ये पिक्चर बनी है, तो सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारे कोरियोग्राफर ने, फाइट मास्टर ने, सब लोगों ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकदम डेडिकेटेड होकर ये फिल्म की है, और होप फॉर द बेस्ट की पिक्चर सब लोग देखें और चले। एक फिल्म बनाने के लिए कितना मुशक्कत और कितना मेहनत करना पड़ता है सर? फिल्म बनाने के लिए पहले तो एक अच्छी टीम जुटानी पड़ती है, जो कि हमको मिल गई, लकीली अच्छे एक्टर्स मिल गए हैं, दिनेश जी, अक्षरा, बाकी लोग भी, और सब ने मतलब अपनी फिल्म समझ के इसमें काम किया, तो एक अगर टीम अच्छी मिल जाए तो फिर फिल्म अच्छी बन सकती है। जैसा कि सर देखा जाए कोविड कोरोना चल रहा है, और जैसा कि मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो कैसे आप लोग इस कर पाते कोरोना के काल में? अभी देखिए हम लोग ने बहुत मिनिमम यूनिट रखा है, छोटा यूनिट में शूटिंग कर रहे हैं, प्लस प्रिकॉशंस, जैसे अभी मैं इंटरव्यू के टाइम मास्क निकाले, लेकिन मेरे पास मास्क है, और सब लोग कोशिश करके मास्क सैनिटाइजर जो है करते हैं, फिर जाके नहाना, गर्म पानी पीना, सबको यही सलाह देता हूँ कि सब लोग ऐसा करें। काम तो शो मस्ट गो ऑन, तो काम तो नहीं रुक सकता, लेकिन सतर्कता से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये कोरोना महामारी चल रहा, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? कोरोना तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से सभी के लिए हो गया, जो हम लोग 7-8 महीना लॉकडाउन थे घर में, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा पल आएगा, और सब लोग उससे गुजरे हैं। अब यही है कि एक ज़िंदगी की सच्चाई पता चल गई है कि क्या मतलब हो सकता है, तो हमें प्रिकॉशंस लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जो सेविंग्स होते हैं बचाना चाहिए पैसे, कुछ ऐसे समय के लिए लोगों को हमेशा सेव करना चाहिए, और मतलब अपने आप को हेल्दी रखना इम्पोर्टेंट है। फिल्म को लेकर भी कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे सर? फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, और बहुत ही एंटरटेनर फिल्म है, कॉमेडी है, एक्शन है, सब कुछ है फिल्म में, जो हम लोग इंडियन फिल्म्स को कहते हैं मसाला फिल्म्स जैसे है, फैमिली मसाला फिल्म है, मैं चाहूँगा इसको देखें एक बार, मुझे लगता है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। सर सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म आप जो कर रहे हैं, कोरियोग्राफर कर रहे हैं ना सर? यस, उसके बारे में बताइए फिल्म। मैं फिल्म के बारे में ये बोलूँगा, टाइटल तो पता है जान लेबू का, इस वेरी माइंड ब्लोइंग स्टोरी स्क्रिप्ट हमारे दिलीप सर, और बहुत दिनेश जी की उनकी केमिस्ट्री मैंने देखा है, तो मैं दिनकर जी के साथ मेरा फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट काम किया, और मैं भी बहुत एक्साइटमेंट था, तो दिनकर कपूर सर के साथ मैं काम क्या करेगा, तो जब भी मैं इनके साथ काम किया, मेरे को इतना मैं इंजॉय में काम किया, इतना मज़े लेके काम किया, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं सर के साथ
फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, ऐसे एक अटैचमेंट और एक लगाव है जो उनको जो चाहिए वो मैं देता था, और मैं पूछता भी था दिनकर सर आपको क्या चाहिए, तो दिन मास्टर भी ये चाहिए, तो हम दोनों का भी केमिस्ट्री जम गया और पूरा गाने फिल्म का मैं कर रहा हूँ। और हमारे प्रोड्यूसर साहब शेष बाब बहुत अच्छे इंसान, मतलब कोई चीज़ का कमी नहीं रखा मेरे लिए। हम लोग लखनऊ में किया एक पार्ट, हम लोग लखनऊ में किया, फिर बॉम्बे में भी करने हैं, बस हम लोग फिल्म पूरा कम्प्लीट है, अभी लास्ट गाना बचा है, फिर बस हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिल्म में सुपरस्टार निरहुआ जी हैं, दिनेश जी नंबर वन, मैं उनको हमारे भोजपुरी के मैं उस पर एक आइकॉन, एक अमित जी जैसा मैं उनको मानता हूँ, उनके जैसा उसके तारीफ क्या करूँ मैं, क्या होता है उसका तारीफ करना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड, क्या नहीं, सभी आर्टिस्ट को कैसा पकड़ के करना है, कैसा काम नहीं करना है, उस दिनेश जी तो बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार है, और आई एम वेरी आई लव हज मैन, बहुत सुपर बंदा है। फिल्म की बात की जाए अक्षरा सिंह है और जाकर के जोया खान है, महिमा जी है, अक्षरा जी भी बहुत अच्छे ले, बहुत अच्छी हमारी हीरोइन है, उसमें जोया खान है, महिमा है, सब मेहनत किया, बहुत अच्छे उन्होंने काम किया, और पूरा फैमिली स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, और फुल इंजॉय करेंगे, हमारे भोजपुरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। सर ऐसा कोरियोग्राफर होकर के आप कितना कठिन होता है इन लोगों को इतना एक्टिव करना, बताना एक एक स्टेप बताना, हर चीज़ करना फॉलो, क्या है ना ब्रदर, एक काम ही है, मेरा जॉब ही है, तो आदत सा है, कोई आर्टिस्ट अच्छा पकड़ लेता है, कोई लेट पकड़ता है, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो कर लेता है, ऐसा कुछ है, मैं भी मजा करता हूँ, एंजॉय करके काम करता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? बस मेरा भोजपुरी समाज, मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे प्यार बहुत दिया, बहुत मुझे मोहब्बत दिया भोजपुरी इंडस्ट्री ने, और मेरा अच्छी अच्छी फिल्म को उन्होंने बतौर मिलियन पे लेके गया, यही प्यार मेरे ये फिल्म को भी देना, और ये फिल्म के गाने बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मैंने पिक्चराइज किया, बहुत मेहनत किया, हमारी भोजपुरी ऑडियंस को बहुत पसंद करेगी। सर ये लास्ट क्वेश्चन आपसे सवाल करेंगे, ये फिल्म कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगा सर? मई एंड तक। और फिल्म के गानों की बात की जाए, किस तरह के गाने सर, कितने गाने हैं? 8 गाने हैं इसमें, हर तरीके से, कैसा लगा था? हर तरीके के गाने हैं, और कॉमेडी गाने भी हैं, रोमांटिक भी है, और एक हमने बैकग्राउंड सॉन्ग रखा जो हमारी पिक्चर को थीम से जाता है, और हमारे संजय कुबरे, मैं पहले टाइम काम किया संजय के साथ, लेकिन अच्छा लगा काम करके, जो थॉट देता था वो मेरे जो मैं चाहता था वो पूरा पर्दे पे उतार रहे हैं, साथ में टीम हमको प्रोड्यूसर साहब ने बहुत अच्छी दी थी, और सब बहुत कोऑपरेटिव थे, तो अच्छे से पिक्चर हंसी खुशी खेल के खत्म कर लिया। ये सर और कितने दिन चलेगा शूट यहाँ? बस लास्ट डे कंप्लीट। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।